हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हम ना छत पे ऐसे ही थोड़ी देर वॉक करने के लिए आए थे, तो हमने सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग भी यहीं से ले लेते हैं। इतनी फ्रेश हवा है ना, इतना ठंडा मौसम लग रहा है, सुबह सुबह मज़ा आ रहा है। तो अभी हो रहा है ना 4:15, तो और सुहेल ने बोला है फिर से रोज़ा रखने के लिए। बहुत अच्छी बात है, वो हिम्मत कर रहे हैं रोज़ा रखना। वो पहले रहा करते थे, लेकिन फिर बीच में काम की वजह से, काम ऐसा होता था ना कि वो नहीं रख पाते थे। तो अभी माशाल्लाह से फिर से स्टार्ट किया है, और अल्लाह करे उनकी हिम्मत बनी रहे और वो पूरा रोज़ा रख डालें ऐसे ही। तो अभी उनके लिए एक दो पराठा बनाना है, वो बनाते हैं। आज हम पराठा नहीं खाने वाले हैं। हम सोच रहे हैं ना कि हम जो रात में सोक किया था हमने, वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल्क में, और जो शेक बनाने के लिए रखा है ना, बस आज वही पी लेते हैं। और हो सकेगा तो थोड़ा ब्रेड और चाय खा लेंगे, मे बी ब्रेड चाय और, मतलब अदरवाइज में है, हो सकता है खा ले। तो अभी चलिए चलते हैं नीचे और बनाते हैं पराठे। तो वे आ गए हैं किचन में। हम सोच रहे हैं सबसे पहले शेक प्रिपेयर कर लेते हैं, उसे फ्रिज में रख देते हैं, उसके बाद पराठे के लिए आटा वगैरह भूनते हैं। रहा टहल रही है, ये जो सोक किया था ना सारी चीज़ें, ये वो है, इसको मिक्स कर देते हैं। इसमें सिर्फ दो बनाने जो है वो हम ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये जो है ना, इतना हम सोच रहे हैं इतना अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा दूध और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। ऐसे में ना हमें डर लगता है कि कहीं ये बाहर ना निकल जाए। इसको अच्छे से फाइन पेस्ट बन गया है, अभी इसमें ना दूध ऐड कर दें, इतना ही ना होगा। इसको जब से रख देते हैं फ्रिज में, थोड़ा ठंडा हो जाए। अभी ठंडा तो है, लेकिन थोड़ा सा जब तक वाले हैं एक मैजिक, आप सबको, आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। आप लोग ना इंस्टाग्राम पे गेम खेल सकते हैं, चलिए बताते हैं कैसे। सबसे पहले आप लोगों को किसी की चैट खोल लेनी है, उसके बाद एक कोई सी भी इमोजी है, मैं दिल ले रही हूँ, उसको सेंड कर देना है। उसके बाद जब आप इसको टैप करेंगे गेम स्टार्ट हो जाएगा। ये इसमें पैसे भी मिलते हैं। मस्ती मजाक के बाद हमने अदा की फजर की नमाज। गाइस बहुत तेज़ नींद आ रही है, 6:30 हो रहे हैं, सोते हैं, मिलते हैं आपसे सुबह। सुबह हो गई है, लेकिन सोकर उठने के बाद मिलते हैं आपसे। हाय गाइस, सोकर उठ चुके हैं। इसी जगह पे हमने व्लॉग के एंड की थी और बोला था कि हम सोने जा रहे हैं, और इसी जगह पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी जो है ना, हम थोड़े बहुत शॉर्ट वीडियोज़ हैं और मेरा व्लॉग है कल का, वो एडिट करना है, तो वो हम अभी करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो है ना, हमारा दूसरा काम होने वाला है। आज हमें रूम की अच्छे से क्लीनिंग करनी है। जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना, रूम की क्लीनिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाए। इनफैक्ट घर के और भी चीज़ों के बारे में, मतलब और भी जो डस्टिंग वगैरह है, वो भी आई थिंक उतने अच्छे से नहीं हुई है, हुई है लेकिन उतने अच्छे से नहीं हुई है। तो आज वो सारी चीज़ें करनी ही करनी है, और बाकी उसके बाद देखते हैं। अज़ान होने वाली है, अज़ान हो जाएगी तो नमाज अदा करेंगे, उसके बाद आगे व्लॉग में आप बने रहिए, आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना, मेरी
हमारे स्पेशल पापड़ी चाट, ब्रेड पकौड़ा, क्योंकि दिन ब्रेड बची है इसको यूज़ करना, पकौड़े और पास्ता, बस ज़्यादा नहीं। ये तो हमारा कल का है, तो है। अच्छा, अब अफ्तारी में जो है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाते हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि एक दिन पे एक कोई स्पेशल डिश प्रिपेयर कर लेंगे और बस ऐसा ही चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कर लो ना तो फिर खाने का भी दिल करने लगता है और खाते ही हैं। इनफैक्ट पकौड़ी हो गई, कोई भी चीज़ें हो गई, बिना तली वाली तो खाने का दिल नहीं करता। मतलब ऐसा लगता है कि कितनी अच्छी कितनी टेस्टी चीज़ें मिल जाएं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में भी रखना चाहिए रमज़ान के दौरान, तो वो रखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन शिविर बच चुके हैं। दाई हम फटाफट से लगाने लगे हैं दस्तरखान, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। जितनी भी कम चीज़ें बनानी हो लेकिन देर हो जाती है, फटाफट से दस्तरखान लगा कर फिर मिलते हैं आपसे। जल्दी जल्दी से हम रेडी कर लेते हैं पापड़ी चाट, क्योंकि टाइम कम है। कम अभी है, 10-15 मिनट है ना, अभी 15 मिनट बचा है। बस इतना बनाते हैं, बाकी फिर बाद में बना लेंगे। आपको व्यूज होता है ना, बन चुकी है हम लोगों की पापड़ी चाट। आज हमने बहुत कम बनाया क्योंकि दो लोग ही हैं और हम ज़्यादा नहीं खाएंगे। कहाँ गया? गाइस देखिए क्या क्या चपलिंग हो रही है, चार लोग एक साइकिल पे। ट्रिपलिंग नहीं हुई है, चपलिंग। अरे अरे कैसे चला ले रहा है चार लोग को बेटा, इतना बेहतरीन तरीके से मैनेज किया। मिस कर दिए हम लोग, इतनी देर से वो लोग एडजस्ट कर रहे थे एक साइकिल पे ना। बस अफसोस ही फ़ोन नहीं था हम लोगों के पास, और रहा दौड़ कर गई फ़ोन लाने, तब तक वो लोग एकदम एडजस्ट हो चुके थे उस पर। चंदा मामा ये आ गया है दूध और पाव। फैन इधर का कौन ऑन किया, सब तो ऊपर थे, दूर कहीं नहीं, छत पे हैं। नाना किचन की हालत कुछ ऐसी है, हम लोग अफ्तार के बाद थोड़े से सुस्त हो जाते हैं, तो चलिए सबसे पहले किचन क्लीन कर लेते हैं। मोनी जो है वो छत पे कपड़े धो रही है।
यहाँ पे ब्लॉग देख रही है सबा का, जहाँ कपड़ा वपड़ा धुल के हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी। हम छत पे कपड़ा धुल रहे थे, आके फिर किचन में, किचन आधा तो राहत ने क्लीन कर दिया था, इतना सारा बर्तन तक ना कि सिंक जो है वो भर चुका था, तो राहत ने आधा धुल दिया था। फिर भी थोड़ा बहुत बर्तन था, फिर हमने उसे वॉश किया। थोड़ा सा जीरा राइस बनाया है, क्योंकि जो मटर वगैरह होती है ना उसके साथ ये लोग खा लेते हैं, अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट डे फिर कोई रोज़ा सब हाँ, मतलब हम दोनों रोज़ा रहते हैं, कोई खाता नहीं है, फिर उसको हम फेंकना पड़ता है। फेंकने से बेहतर है कि वो खाने में यूज़ हो जाए। तो अभी वो हो गया है, चाय बनाई है, सोहेल को दिया है, राहत को दिया है, अभी इनकी चाय चल रही है और पढ़नी है अभी हम लोगों को नमाज। 10:30 हो रहे हैं, देर हो गई है, 11 बज रहे होंगे आई थिंक ना, कितने बज रहे हैं? 10:30 हो रहे हैं। तो अभी जाते हैं वज़ू बनाते हैं, राहत का वज़ू है, हम जाते हैं वज़ू बनाते हैं और फिर नमाज और तरावी अदा करते हैं। एकदम ठीक 12 बज रहे हैं, तो बस इसी 12 के साथ हम ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है ना तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।